एस्पेक्ट रेशियो, जिसकी डेफिनेशन है एन एस्पेक्ट रेशियो इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन एन इमेज विथ एंड हाइट। और आज एक चीज क्लियर कर लो कि 1920 बाय 1080 या 3840 बाय 2160 एस्पेक्ट रेशियो नहीं बल्कि इमेज रिजोल्यूशन है। हाउ इज इट गोइंग गाइस, दिस इज फजानुद्दीन एंड यू आर वॉचिंग एस्पेक्ट रेशियो अंडर टू मिनट। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि एस्पेक्ट रेशियो होता ही क्यों है और इसको क्यों यूज करते हैं। हमेशा से फिल्म मेकर्स अपनी विजुअल कॉम्पोजिशन को इन्हांस करने के लिए और अपनी विजुअल स्टोरी टेलिंग को दिखाने के लिए, उसको थोड़ा सा इमोशन दिखाने के लिए एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल होता है। आपने कभी शायद नहीं सोचा हो कि इसका इतना बड़ा भी रोल हो सकता है फिल्म मेकिंग में। जब हम फिल्म या फिर वेब सीरीज देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इस फ्रेम के अंदर होता है और इसके आउटसाइड जो ब्लैक बार्स होते हैं वहाँ पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हमें लगता है कि शायद हमारा टीवी बड़ा है या फिर ये वीडियो छोटी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि 3:2, 4:3, 5:4, 16:9, ये कुछ एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं जो कि हमारे मूवीज़ में यूज़ होते हैं। अब जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट की ही बात कर लें तो अगर मूवी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा मेन चीज़ हमारी कार्स होती हैं और कार पे ज़्यादा फोकस होता है, तो अगर कार में बैठा ड्राइवर और कार एक साथ दिखाने हो तो ज़्यादा अल्ट्रा वाइड एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ किया जाता है। यानी कि टोक्यो ड्रिफ्ट जैसे मूवी में 2.35:1 का एस्पेक्ट रेशियो यूज़ हुआ है। इसमें ज़्यादा वाइड कार्स और उसके साथ हमारे एक्टर्स के क्लोजअप भी अच्छे से आ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें जुरासिक पार्क, गॉडजिला या फिर लाइफ ऑफ पाई जैसी मूवी की, तो उसमें डायनासोर जाहिर सी बात है लंबे होते हैं, तो उसमें एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी लंबा होता है। सिमिलरली लाइफ ऑफ पाई में समुद्र बहुत बड़ा है, उसका साइज दिखाने के लिए टॉलर एस्पेक्ट रेशियो यूज़ हुआ है। लेकिन एस्पेक्ट रेशियो से सिर्फ साइज का नहीं, आप जो फीलिंग कन्वे करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि हाल ही में मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने एक कैरेक्टर को अपने क्लासरूम में फंसा हुआ दिखाया, यानी कि वो क्लासरूम में काफ़ी बोर फील कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एस्पेक्ट रेशियो 4:3 वाला यूज़ किया है, जिससे कि एक थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक और एक ट्रैप्ड वाली फीलिंग जनरेट हो। उसके बाद मैंने उसको एक सीक्वेंस में ड्रम बजाते हुए दिखाया है, जिसको वो बहुत ज़्यादा ड्रम बजाना पसंद करता है, और यहाँ एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, यानी कि टॉल और वाइड है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब वो क्लासरूम में नहीं है, अब वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो उसको पसंद है, यानी कि वो फ्रीडम फील कर रहा है। बट थोड़ी ही देर बाद उसको फिर से एक रियलाइजेशन होता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था, वो अभी भी एक क्लासरूम में फंसा हुआ है उस बोरिंग क्लास में, और एस्पेक्ट रेशियो वापस 4:3 हो जाता है, जिसका मतलब वो अभी भी ट्रैप्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, बट अब एक डायरेक्टर जब एक मूवी बनाता है तो वो जो भी इमोशन कन्वे करना चाहता है अपनी ऑडियंस को, तो वो इन टेक्निक्स के ज़रिए, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो और अपना कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों की मदद से वो इमोशन कन्वे कर सकता है। तो इस वीडियो का टाइम 2 मिनट से थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।